नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं सत्यम कुमार और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब बीपीएससी परीक्षा नहीं देनी होगी, पुरानी नियमावली पर ही बहाली होगी क्योंकि पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया है। रितिका रानी जो हैं हमारी एडवोकेट हैं और अब हमें बड़ी जीत मिलेगी। आप सभी सुन सकते हैं उनकी जुबानी, वो जुड़े हुए हैं और उन्हें पेमेंट भी कर दिया गया है, तमाम बातें वो बता रहे हैं। तो सुनिए उनकी ही जुबानी क्या कुछ वो कह रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से बातें पता चले। तो चलिए हम ले चलते हैं, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार। आज के दिन कोर्ट केस फाइनल हो गया। रितिका रानी हमारी एडवोकेट है और साथ साथ रितिका रानी अब कोर्ट केस फाइल करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करना स्टार्ट कर दी और ड्राफ्ट बनाने लगी। और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि रितिका रानी को पेमेंट कर दिया गया, आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करेगा, खाना है और रितिका रानी को देना है। तो हम आप भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे, सारे भाइयों से कहेंगे, जितने पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में लोग हैं, अपना अपना पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो लोग पॉइंट को कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाते, कुछ ज्यादा है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को फ्लैश कर रहा होगा सामने, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पॉइंट लिखकर भेजिए ताकि नियमावली को कैंसिल करा सके। दूसरी बात, आप लोग देखिए कि रितिका रानी एक प्रेसिडेंट अवार्डेड वकील है और वो ऐसी वकील है जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। नई युद्ध, नई तकनीक और नया उमंग के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखने का कोशिश करेंगी हाईकोर्ट में। पिछले एसटीईटी एग्जामिनेशन भी उन्होंने कैंसिल करवाया है। और साथ साथ ये भी बताते हैं कि जो एसटीईटी वाले भाई थे उनकी मुद्दा कुछ अलग है और हमारी मुद्दा कुछ अलग है। तो हम लोगों ने जो अपनी बातों को रखने का पुरजोर तरीका से कोशिश किया है और आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपकी जो पॉइंट है, जो समन्वय है, जो आपका तरीका है, उस बात को आप लोग रखिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूं कि सारे कोई आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पर्सनल जो बात है उसको रखिए, उसको बोलिए और पहला हियरिंग के लिए और अगला हियरिंग के लिए कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आप लोग पुरजोर तरीका से पेमेंट कीजिए ताकि पेमेंट कीजिएगा तो इस नियमावली को खत्म किया जा सकेगा। साथ साथ 6-8 में सीट नहीं आएगी। हम लोग केस फाइल कर दिए हैं, मान लीजिए नियोजित शिक्षक पहले से स्थानांतरण होकर वहां पे पहुंच गए हैं तो उनको हटाने का एक ही रीजन है, नियमावली को ही बदलना पड़ेगा, नियम को ही बदलना पड़ेगा, तब जाकर आपकी सीट जो है वो बैक, जो पहली की नियमावली में जो आपकी बहाली आई थी लगभग 33,658 सीट था या अधिक उसके से सीट था, डाटा पता नहीं है आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि उसी नियमावली पर बहाली हो। आप अपनी बात को रखिए पुरजोर तरीका से और जो भाई चैनल को नहीं अपना है वो साथ साथ चैनल को अपनाइए ताकि हम अपनी लड़ाई को आपके साथ मिलकर लड़ सके और जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर अपनाइए और अपनाने के साथ साथ